हेलो जूनियर के जी स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड सेफ फ्रॉम कोविड. ओके, अच्छा, जो असेसमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था ना, मैथ्स का, क्या था? राइट द मिसिंग नंबर. ठीक है, अभी हम लोग आए हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन कैसा है हमारा? थ्री पार्ट्स में डिवाइड है. किसमें? थ्री पार्ट्स, ए, बी एंड सी. ठीक है, इसमें डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट जो उसका है ए, वो है हमारा आफ्टर नंबर. ओके, देन बिटवीन नंबर, देन इट्स बिफोर नंबर. और ये जो सारे नंबर्स हैं वो हमारे अप टू कहाँ तक रहेंगे? अप टू 30 तक रहेंगे. यानी कि मिसिंग हो, बिटवीन हो कि बिफोर हो, वो सब कहाँ तक रहेंगे? 30 तक, 30 तक रहेंगे. ठीक है, फर्स्ट मैंने आपको मिसिंग सिखाया. मिसिंग कैसे करना है आपको? जो ब्लैंक स्पेस है वो कौन फिल करेगा? वो आप लोग फिल करेंगे. ठीक है, अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन का जो पार्ट वन है, दैट इज आफ्टर नंबर. ठीक है, आफ्टर नंबर क्या होता है? जो नंबर मैंने लिखा है उसके बाद आने वाला नंबर, दैट इज कॉल्ड आफ्टर नंबर. जो नंबर ये नंबर के बाद आता है उसको बोलते हैं आफ्टर नंबर. जैसे 5. ठीक है, 5 किसकी लाइन में आता है? 5 1 की लाइन में आता है. ठीक है, तो अभी हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5. ठीक है, 5. अभी 5 के बाद मैं क्या बोलती? 5 के बाद मैं बोलने वाली थी 6. तो 6 क्या हुआ? 6 है हमारा आफ्टर नंबर. 6 5 के बाद आता है. ठीक है, तो 6 क्या हो गया? हमारा आफ्टर नंबर हो गया. ऐसे ही दो एग्जांपल्स और है, तो हम लोग वो देखते हैं. जैसे 2 4 24. ओके, 24 किसकी लाइन में आता है? 2 1 21 की लाइन में आता है. तो अभी वो लाइन हम लोग बोलेंगे 21 22 23 24. 24 के बाद क्या आएगा हमारे पास? 25 2 5 25. ठीक है, 25 क्या हुआ? हमारा आफ्टर नंबर. ठीक है, अच्छा अभी क्या है? 1 7 17. कौन सा नंबर है अभी हमारे पास? 1 7 17. ठीक है, 17 हमारा कौन सी लाइन में आता है? 1 1 11 की लाइन में आता है. ठीक है, तो अभी हम लोग 11 की लाइन बोलेंगे और देखेंगे कि 17 के बाद हमारा कौन सा नंबर नेक्स्ट आता है, यानी कि आफ्टर नंबर आता है. 11 12 13 14 15 16 17. ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर है? 17. 17 के बाद क्या आता है? 1 7 17 के बाद आता है 1 8 18. ठीक है, क्या आता है 17 के बाद? 1 8 18. अच्छा, आफ्टर नंबर्स, वंस आई एम रिपीटिंग अगेन, आफ्टर नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारा बाद वाला नंबर होता है, दैट इज नेक्स्ट नंबर. जैसे 5 के बाद आता है 6, 24 तो 25, 17 तो 18. ठीक है, अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो है बिटवीन नंबर्स. ठीक है, बिटवीन, अच्छा इंग्लिश में भी आपको कंसेप्ट आया था ना बिटवीन का? बिटवीन यानी कि क्या होता है? मिडिल, जो बीच में होता है. ठीक है, जैसे आफ्टर का होता है कि बाद वाला, बिटवीन क्या होता है? बिटवीन होता है बीच में. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ दो नंबर्स लिखे हैं, लेकिन दोनों के बीच में मैंने क्या किया है? ब्लैंक किया है. तो वो ब्लैंक कौन फिल करेगा? वो ब्लैंक आप फिल करोगे. ठीक है, ये भी सिमिलर आफ्टर नंबर की तरह ही रहेगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे है 6 blank 8. ठीक है, तो बीच में हम लोग क्या लिखेंगे? 6 के बाद क्या आता है? ये सोचने के लिए आपको लाइन बोलनी पड़ेगी. कौन सी लाइन बोलेंगे हम लोग? 1 की. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 पे हम लोग पहुंच गए. 6 के बाद क्या आता है हमारे पास? 6 के बाद आता है 7. ठीक है, तो ये ब्लैंक में हम लोग क्या लिखेंगे? 7. तो ये अभी हमारा रो कंप्लीट हो गया, 6 7 8. ओके, ये सीक्वेंस अभी हमारा कंप्लीट हो गया. ऐसे ही दूसरे भी सीक्वेंस अभी हमको बोलने हैं. ठीक है, 11 1 1 11. 11 के बाद क्या आता है?
11 के बाद आता है 1, 2, 12. क्या आता है? 1, 2, 12. 1, 1, 11. 1, 2, 12. 1, 3, 13. ओके, ये सेकेंड रो का सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हो गया. अभी हम लोग थर्ड रो पे चलते हैं. थर्ड का हमारा कौन सा है? 2, 8. क्या होता है? 28. तो इसमें आप 28 बोल रहे हो तो आपको लाइन पता चल गई. कौन सी लाइन बोलनी है? 20 वाली लाइन बोलनी है, 21 से. ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ओके, 28 के बाद क्या आया? 29. और 29 के बाद क्या आता है? 30, 30. ठीक है, बिटवीन नंबर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया. व्हाट इज बिटवीन? बिटवीन जो बीच में आता है. ठीक है, ये बीच वाले नंबर कौन फिल करेंगे? आप फिल करेंगे. ठीक है, अभी हम लोग पार्ट थर्ड की साइड चलते हैं, दैट इज बिफोर नंबर. ठीक है, जैसे आफ्टर बाद में होता है, बिफोर क्या होता है? प्रीवियस, यानी कि पहले. ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लैंक कहाँ दी है? पहले दी है. जैसे 10 और उसके प्रीवियस में ब्लैंक है. ठीक है, तो हमको 10 से पहले आने वाला नंबर लिखना है और आफ्टर में हम लोग बाद वाला नंबर लिखते हैं. ठीक है, अभी ये डैश 10 है. अभी 10 है, 10 किसकी लाइन में आता है? 1 की लाइन में आता है. तो हम लोग कौन सी लाइन बोलेंगे? 1 वाली लाइन बोलेंगे और 10 पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, 10 पे हम लोग स्टॉप हो गए. अभी 10 से पहले मैंने क्या बोला आप लोगों को याद आया? 10 से पहले मैंने बोला, क्या बोला? 9. ठीक है, तो 10 से पहले क्या आता है? 10 से पहले आता है 9. ठीक है, अगर आप वन टाइम पे कैच नहीं कर सक रहे हैं तो आप ऐसे 2-3 times लाइन बोल के वो नंबर आप कैच कर सकते हैं. ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं. ब्लैंक 1, 3, 13. 13 कौन सी लाइन में आता है? 13 आता है 11 की लाइन में. तो इसके लिए अभी हम लोग क्या बोलेंगे? 11 वाली लाइन बोलेंगे. 1, 1, 11. 1, 2, 12. 1, 3, 13. क्या आ गया हमारे पास? 13 आ गया. 13 से पहले मैम ने क्या बोला? 13 से पहले मैम ने बोला 1, 2, 12. ठीक है, सो 13 का बिफोर नंबर कौन सा हुआ? 1, 2, 12. ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट जो है वो है 2, 4, 24. ठीक है, अभी आपको लाइन पता चल गया. कौन सी लाइन बोलनी है? 24, यानी कि हमको 21 वाली लाइन बोलनी है. 21, 22, 23, 24. 24 के पहले मैंने क्या बोला? 23. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? 23. ठीक है, अच्छा एक बार अगेन आई एम रिपीटिंग. आफ्टर, बिटवीन एंड बिफोर. आफ्टर यानी के बाद वाला नंबर, बिटवीन यानी के मिडिल नंबर, बिफोर यानी के आगे वाला नंबर, यानी के प्रीवियस नंबर. ठीक है, यहाँ पे ये हमारा जो क्वेश्चन पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके 3 पार्ट्स का रिवीजन हमने कंप्लीट कर दिया. अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का करेंगे.